अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं कीप में स्टूडेंट हूँ मेडिसिन का। हम तकरीबन 3 दिन से सफ़र में हैं और हमें पहले तो एम्बेसी की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी आई, और जब इमरजेंसी लगी है उस दिन भी हमें कुछ भी नहीं बताया गया। अगले दिन अटैक हो गया है कीप में और हम तब से इधर दर बदर हो रहे हैं। हम एम्बेसी गए थे जिस दिन अटैक हुआ है, और जब हम एम्बेसी पहुँचे हैं तो हमें पता लगा कि एम्बेसी सारा कुछ छोड़ के चली गई है। दूसरी बात ये, हम किसी तरीके से लवी पहुँचे हैं, एम्बेसी ने बोला कि पोलैंड के बॉर्डर पे जाएं। हम उस पोलैंड के बॉर्डर पे गए हैं, हमें मिस गाइड ये किया गया कि आप जाएंगे और आपको उधर एंट्री मिल जाएगी। हम गए हैं बहुत ज़्यादा, हम चल के 25-30 किलोमीटर हम चल के गए हैं, बस ने हमें काफ़ी पीछे उतार दिया था। 25-30 किलोमीटर चल के गए हैं, तकरीबन हमें 9-10 घंटे लगे उधर तक पहुँचने में, और जब उधर पहुँचे हैं फिर 10 घंटे हमें खड़ा होना पड़ा। हम तकरीबन काफ़ी देर से, हम कहीं रातों से सोए नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा इस वक्त बच्चे हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। तो अभी इस वक्त ये है कि एम्बेसी की भी कोई रसाई हासिल, पाकिस्तान गवर्नमेंट की कोई रसाई हासिल नहीं हो रही कि यूक्रेनियन एम्बेसी के साथ, यूक्रेनियन इमिग्रेशन के साथ, कि हमें उधर से निकलने दें। एम्बेसी ने हमें दोबारा बुलाया है इधर, काफ़ी दूर 80 किलोमीटर दोबारा पीछे बुलाया। हम इधर बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, अब ये फिर कह रहे हैं कि हम बस आपको उधर तक उठा छोड़ देंगे, आप फिर लाइन में लगना और फिर जाना। हमें कुछ भी अभी तक समझ नहीं लग रही।